तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेरा जो फ़ोन है वो रेडमी नोट 5 है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो चुका है आईफोन में। मैं दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एयरपोर्ट्स दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एंड और भी बहुत कुछ है जो आईफोन पूरा का पूरा आईफोन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है गाइस। मैं दिखा दूँ आपको अपने फ़ोन का सेटिंग में जाके। मेरा जो फ़ोन है वो रेडमी नोट 5 है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो, हाँ देख सकते हो यहाँ पे रेडमी नोट 5, ठीक है। तो आप लोग अपने फ़ोन को आईफोन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, चलिए आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो सिंपली गाइज, आपको अपने फ़ोन के थेम स्टोर में जाना है, ठीक है। चलिए मैं ले चलता हूँ अपने फ़ोन के थेम स्टोर में। अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन है तो आप आसानी से इसे अपने स्टोर में ढूंढ लोगे, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ मैंने कौन सा थेम यूज़ किया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऊपर की साइड में, यहाँ पे iOS AR 30.1 V11, ठीक है। ये सर लिख के सर्च करोगे तो आपके सामने ये थेम आ जाएगा। इस पर लिखा होगा प्रीमियम, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग उस पर क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड होगा, ठीक है। और डाउनलोड होने के बाद ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन है तो आप इजीली कर सकते हो, और अगर आपके पास रेडमी का फ़ोन नहीं है तो आप प्ले स्टोर पर जाके, काफ़ी सारे ऐप्स हैं, आप लिखना iOS लॉन्चर, आप iOS लॉन्चर लिख के सर्च करोगे तो काफ़ी सारे ऐप्स आ जाएंगे। आपको जो बढ़िया लगे आप डाउनलोड करके उसे आप इंस्टॉल करके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है गाइस। और एक ख़ास बात है गाइस इस थेम का, मेरा जो फ़ोन है वो स्विच ऑफ होने के बाद ऑन होता है तो रेडमी का लोगो ना दिखा के एप्पल का लोगो दिखाता है, ठीक है गाइस। यानी कि पूरा का पूरा आईफोन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।